पढ़ लिया, लिख लिया, शिल्प भी जान लिया, व्यवहार करना नहीं आया, बोलना नहीं आया, बातचीत करनी नहीं आई। ठीक से बातचीत नहीं करेगा तो स्वयं भी दुखी रहेगा, अपने परिवार वालों को दुखी करेगा, अपने मित्रों को दुखी करेगा, समाज के अन्य लोगों को दुखी करेगा। बहुत जरूरी है बोलना सीखे, कैसे बोले, ऐसी वाणी नहीं बोले जिससे स्वयं भी दुखी हो जाए और भी दुखी हो। तो ये वाणी कैसी बोलनी चाहिए ये सीखना भी एक उत्तम मंगल है। सुभाषित वाणी हो, धर्म की वाणी हो, प्यार की वाणी हो, सच्चाई की वाणी हो, इनमें सबसे प्रमुख है सच बोलना। आदमी जब झूठ बोल के किसी को ठगना चाहता है तो उसको होश नहीं रहता, मैं किसको ठग रहा हूं, अपने आप को ठग रहा हूं, ऐसी आदत बना रहा हूं कि अपना मतलब साधने के लिए झूठ बोलो, तो ऐसी आदत हमेशा हानिकारक होगी। क्योंकि सत्यमेव जयते नानृतम, झूठ की जीत नहीं होती, हमेशा सच की जीत होगी। हमेशा यह नियम रखेगी, बोलेंगे सच ही, लेकिन सच बोलने में भी हमेशा ख्याल रखेंगे किसी को मन दुखाने की बात नहीं करेंगे। और एक बात ख्याल रखनी होती है कि बोलने में कभी कभी एक पागलपन होता है कि अपनी प्रशंसा बढ़ा चढ़ा के की, दूसरे की निंदा बढ़ा चढ़ा के की, धर्म की बात नहीं हुई। हमारे जो संत हैं बार बार उन्होंने कहा कि ये जो परनिंदा की बात है, परनिंदा सम अग नहीं भाई, दूसरे की निंदा करने से इतना बड़ा पाप है, क्योंकि भीतर से हमने अपने मानस को मैला करना शुरू किया तब ना ऐसा करेंगे। तो अपने यहां के परवर्ती कवियों ने कहा, तुलसी जे कीरत चाहिए, माने जो कीर्ति चाहिए अपने, पर की कीरत खोई, दूसरे की कीरत को नष्ट करके अपनी कीरत जो आदमी जमाना चाहता है, अपना यश अपनी प्रशंसा कायम करना चाहता है, अरे तिनके मुंह मसी लागी है, उनके मुंह पर कालक लगती है, और कालक भी ऐसी कि मिटे न मरिए धोए, सारे जीवन भर धोता रहेगा, वो कालक मिटने वाली नहीं है। तो कभी भूल करके भी ऐसा काम न करे कि अपनी प्रशंसा, अपना यश, अपनी कीर्ति के लिए किसी दूसरे की कीर्ति को नष्ट करने का काम गलत काम है, सुभाषित नहीं है। अपनी बढ़ाई क्या करे, अगर कोई गुण है अपने में तो अपने आप मालूम होगा, लोग जानेंगे, स्वयं अपनी बढ़ाई क्या करे। तो कहा, बड़े बड़ाई ना करे और बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे कि मेरा लाख टका है मोल। हीरा कब कहने जाता कि मेरा लाख का मोल है, जानते हैं लोग कीमती है। ऐसे ही आदमी में गुण आएंगे तो अपने आप लोग जानेंगे ये गुणवान व्यक्ति है, उसको ये कहने की जरूरत नहीं मैं कितना गुणवान, मैं कितना गुणवान, ये समझने की बात है। सुभाषित इस दिशा में भी होना आवश्यक है, विद्यार्थी जीवन में ये सारे गुण आने चाहिए ताकि आगे सारा जीवन हमारा सुख शांति से बीते, हम भी सुख शांति से रहें, औरों के लिए भी सुख शांति का वातावरण निर्माण करें। इसलिए सुभाषित हमेशा बोलने में अच्छी वाणी ही बोले। जी गुरुजी, वाणी ही व्यक्ति की सही पहचान जाहिर करती है, और उतना ही कठिन है उस पर कंट्रोल करना। गुरुजी, आपसे बातचीत जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, जैसा कि आपने अभी कहा कि हमारी वाणी हमेशा मधुर होनी चाहिए, पर ऐसा कई बार होता है कि हम कड़वी बातें बोल जाते हैं, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता, तो फिर ऐसा क्यों होता है? वही तो सीखना है ना बेटी, हमारा स्वभाव बिगड़ गया कि जब बोलते हैं तो ऐसी वाणी बोलते हैं जिससे लोग दुखी हों, हम भी दुखी हों, लोग को भी दुखी करें। आखिर आदमी बोलता किस लिए है कि कोई सुने, और सुने तो सुनकर खुश हो, सुने और सुनकर व्याकुल हो, तो क्या बोलना हुआ, ये न बोलना अच्छा, मुंह बंद रखते। तो इसको खूब समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं। तो अपने यहां एक वाणी चलती है, कर्कश बोले कागलो, कागलो माने कौआ, कौआ बहुत कर्कश बोलता है, कर्कश बोले कागलो और कोयल मीठा बैण, कोयल बोलती तो बहुत मीठे,
आवाज दोनों की है, एक कर्कश है एक मीठा है। एक हियो व्याकुल करे, एक का बोलना ऐसा है कि व्याकुल कर देता है, लोगों के हृदय में व्याकुलता भर देता है, और एक बढ़ावे चैन, और दूसरे का बोलना ऐसा है जिसे सुनकर के मन में बड़ी शांति बड़ा चैन बड़ा सुख मालूम होता है। तो हमें समझना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं उसका असर दूसरों पर क्या पड़ रहा है। ये होश नहीं है तो बुरी आदत में पड़ गया, उसे बदलना होगा। ये जो विष हमारी वाणी में है बहुत खतरनाक है, कंट्रोल करना जरूरी है। तो कहा, कांजी कासा विष भरया, कांजी होती है विष की तरह, अरे बोलिया वचन कठोर, विष भरे वचन बोलता है कांजी के, मना दूध न फाड़ता, मनो दूध है, कांजी के दो बूंदे पड़ेगे पड़ जाएगा, मना दूध न फाड़ता जरा न आयो जोर। क्या किया, बोल ऐसे बोल दिए कि जहां मैत्री का माहौल था, दूध था इतना अच्छा, सारा वातावरण दूध से भरा हुआ, फाड़ दिया उसे, हानि कर ली ना। इसीलिए हमारे एक कवि ने कहा कि खीरा सिर से काट कर और मलिए नमक लगाए, कोई कोई खीरा खारा होता है ना तो खा नहीं सकते उसे, उसका सिर काटा थोड़ा उसमें नमक लगाया और रगड़ा तब खाते हैं, उसका खारापन निकल जाए। तो खीरा सिर से काट कर और मलिए नमक लगाए, रहिमन कड़वे मुखन की चाहिए तो यही सजा है, कड़वे मुंह वालों की यही सजा होती है। सिर काटो, काटो और नमक छिड़को, काटो और नमक छिड़को। तो भाई क्यों ऐसा काम करें, क्यों अपने आप को कड़वा बनाएं कि ऐसा दंड भुगतना पड़े। जगत दुखी विष वचन से दुख स्वयं भी पाए, लोगों को दुखी बनाता है, खुद भी दुखी होता है, परिणाम क्या होता है, देख विषैले सांप का मुंह कुचला ही जाए, सांप का मुंह जहर है उसमें, तो जब देखेंगे तो पहले उसका मुंह कुचलेंगे, जान से मारने के पहले उसका मुंह कुचलेंगे, जान से तो मारा ही जाएगा क्योंकि मुंह में जहर भरा है। तो लोगों को जहर की वाणी सुनना नहीं चाहते कोई भी, तो दंड मिलता है। आदत ऐसी डाल ली कि सांप कैंचुली त्याग दे पर विष त्यागो नहीं जाए, अरे कैंचुली तो निकाल दी, ऊपर की स्किन निकाल दी, भीतर जहर तो वैसा का वैसा है, क्या मिला इससे। ये मंगल के रास्ते चलने वाले को बहुत सजग रहना है, मेरी वाणी ऐसी न हो जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे, कोई दुखी हो, क्योंकि कोई दुखी होगा मुझे भी दुखी होना पड़ेगा, दंड मिलेगा मेरे इस कटु वचन से, दंड मिलेगा इस कटु वचन से, प्रकृति के नियमों के अनुसार भी कटु वचन बोलेगा तो अंदर विकार जागेगा, विकार जागेगा व्याकुल होंगे। तो ये बात धर्म की बात कम उम्र से ही सीख लेनी चाहिए कि हम कैसी वाणी बोलें, कैसी वाणी बोलें। जी गुरुजी शुक्रिया, ये बात तो जीवन में बहुत ही उपयोगी है। गुरुजी इसी विषय में और जानकारी पाना चाहेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुजी जैसा कि आपने ब्रेक से पहले कहा कि अच्छी और सीधी वाणी का असर हमेशा अच्छा ही होता है, तो क्या आप इस बात को उदाहरण के द्वारा या कहानियों के द्वारा समझाएंगे? हाँ बेटी, अनेक उदाहरण हैं। भगवान बुद्ध का ही उदाहरण ले, माने उनकी वाणी में इतना माधुर्य था और एक मेटालिक वॉइस थी, तरंगों की निन्नादी वाणी थी, बोलने से सुनने वाले के हृदय तक पहुंचती थी और तरंगें पैदा कर देती थी। तो लाभ यह होता था कि जो लोगों के पास पुरानी पारमिताएं हैं, पुण्य है, उनकी वाणी सुनते ही सारे शरीर में उनके तरंग जाग पड़ती थी। तो वो तरंग जागते 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 तरंगों के परे की अवस्था, तरंगातीत अवस्था, मुक्त अवस्था में, स्रोत में पड़ गए, मुक्ति के स्रोत में पड़ गए। ऐसा होता था उनकी वाणी का प्रभाव। अशोक की पत्नी महारानी असंध्यमित्र, उसने जब सुना कि भगवान की वाणी ऐसी थी कि सुनते सुनते लोगों में धर्म जाग जाता था, तो कैसी थी भगवान की वाणी, कैसी थी, उसके मन में जिज्ञासा जागी। तो अब क्या करें, भगवान तो है नहीं, तो एक कार्विक पक्षी होता है, उसकी वाणी भी इसी प्रकार की। तो लोग वो पक्षी को ले आए, ये कहा देखे जैसी इसकी वाणी है ना,
बिल्कुल निंदादी नाद पैदा कर दे, वैसी भगवान की इससे बहुत ऊंची। उसको सुनकर के उसने मन में सोचा, अरे ये इतनी मधुर है और इतनी हृदय ग्राही है तो भगवान की तो न जाने कितनी होगी। बस चिंतन मात्र से सारे शरीर में तरंगे जाग गई उसके और वो श्रोतापन्न हो गई, श्रोतावस्था में पड़ गई। तो वाणी का उच्चारण भी कैसा हो, सत्य है मधुर है वो अपनी जगह ठीक होना चाहिए, साथ साथ उसका उच्चारण कैसा हो जो दूसरों के हृदय तक पहुंच जाए तो ज्यादा कल्याणकारी होती है। एक कहानी और, एक माली अपने तालाब में उसने कमल के फूल खिलाए, बहुत खूबसूरत फूल, लेकिन बेचारा नकटा था। तो एक भाई उसके पास आया, कहता अरे वो नकटे तो मुझे दो फूल दे दे तो इसके पुण्य से जैसे मूंछ के बाल काट दें तो फिर आ जाते हैं, ऐसे तेरे नाक भी फिर आ जाएगी, तेरे दो फूल दे दे मुझे। उसने डांट के निकाला, उसका अपमान हुआ ना, दुखी हुआ। दूसरा आया, अरे नकटे माली मुझे दो फूल दे तो जैसे खेत में बीज डालने पर पौधा उगता है वैसे तेरा नाक उग जाएगा फिर। निकाल दिया उसको मार करके, गुस्सा करके। तीसरा आया, उसने बड़े प्यार से कहा, माली जी हमारे घर में आज उत्सव है, पूजन है, हमें आप दो फूल दोगे तो हमारा पूजन बहुत अच्छा होगा, संपन्न होगा। माली प्रसन्न हुआ, बात तो वही है किस ढंग से कहा, उसने दो इन्हें चार फूल दे दिए उसे। तो कहने का तरीका कैसे कहते हैं, हम किसी का मन दुखाने वाली बात कहेंगे तो परिणाम कहां अच्छे आएंगे, और ऐसी बात कहेंगे किसी को प्रिय लगेगी तो अपने आप परिणाम अच्छे आएंगे। तो असर होता है बोली का, माने पशुओं पर भी होता है। घर में हम कुत्ते पाल रखते हैं, बिल्ली पाल रखते हैं, हम किस तरह से बोलेंगे उनका असर उन पर होगा। हम डांट के बोलेंगे कुत्ते बिल्ली भी समझेंगे, प्यार से बोलेंगे कुत्ते बिल्ली भी समझेंगे, अरे बिल्कुल अबोध बालक है वो भी समझेगा। गुस्से से बोलेंगे रोने लगेगा, प्यार से बोलेंगे हंसने लगेगा, अरे वही क्यों, पेड़ पौधों पर भी असर होता है। मुझे ख्याल हमारे गुरुदेव सुबह सुबह 4 बजे जो पेड़ पौधे लगा रखे थे उनको पानी देते थे और मैत्री मंगल मैत्री देते थे, उन तरंगों से जो फूल खिलते थे, सामान्य दुनिया में एक तरह के फूल हैं इनके विशेष होंगे, जो फल लगते थे इनके विशेष होंगे, वाणी का असर पड़ता है। तो हम परिणाम अच्छे आएं हमारे जीवन में, हमारे हर बोल के परिणाम अच्छे आएं इसका ख्याल रखें तो कल्याण ही होगा, अपना भी कल्याण होगा, वातावरण का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। तो सुभाषित बहुत आवश्यक है। शुक्रिया गुरुजी।